अशुरन चौक से लेकर मेडिकल कॉलेज तक फोरलेन बनाने का कार्य तेजी से शुरू हो गया है। चेतावनी देने के बाद भी सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा जमाए दुकानदारों पर बुधवार को सिटी मजिस्ट्रेट अजीत सिंह, एडीएम सदर गजेंद्र कुमार, पुलिस अधीक्षक नगर विनय कुमार सिंह और नगर निगम के अधिकारियों की देखरेख में मेडिकल कॉलेज रोड पर आईटीआई कॉलेज रेल विहार चौराहा के आसपास अतिक्रमण को बुलडोजर से हटाया गया। यह अभियान गोरखपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम प्रशासन, जिला प्रशासन और पीडब्ल्यूडी के संयुक्त तत्वाधान में चलाया गया। फोरलेन के लिए चल रहा अतिक्रमण हटाओ अभियान स्थानीय लोगों और प्रशासन के अधिकारियों से नोकझोंक भी हुई। अभियान के दौरान सड़क पर कब्जा करने वाले लोग अपने सामानों को ठिकाने लगाने में जुटे रहे। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए स्थानीय निवासी अजीत सिंह ने कहा, ठीक है, कोई डाउट हो तो फिर जान भी लगवा दिए पीना।
पहले हमने महायोजना है ये यहाँ जो पुल आएगा तो पुल पार करेंगे। आप जाइए नक्शा ले जाइए, हम नक्शे के नक्शे को मानेंगे ना। वो कपड़ा वाला बड़ा सा नक्शा है उसको दिखाते हैं। आपने तो कहा था कि मैं निकलवा लूंगा, मंगा लो नक्शा उनको दिखा दो। नक्शा मंगा लो ना, दिखा दो, ले करके आया हुआ हूँ। सड़क चोरी होगी तब मुआवजा दिया जाता है। ये ऑलरेडी इसको बनाए हुए हैं, कल्याण समिति के हैं, गोरखपुर असवन चौराहे से। और हम लोगों ने इस विवाद का जब से यह शुरू हुआ तब से हम लोग इस पर अपना ज्ञापन देते रहे। हम लोग का नक्शा 1952 का पास है और 1952 से जो नक्शा पास है उस समय ना GDA था ना नगर निगम, केवल नगर निगम के थ्रू पर नक्शा पास होता था। उस समय हम लोग की रोड जो है वहाँ 80 मीटर की रोड थी वो। और आज के डेट में इसको ये बढ़ा करके कह रहा है, मैंने 25 मीटर थी, आज इसको कह रहा है कि ये हम 37 मीटर हम लेंगे। और ज़बरदस्ती तोड़ रहे हैं बगैर किसी को मुआवजा दिए हुए, ना तो किसी को नोटिस दिया। रेवेन्यू डिपार्टमेंट से हम लोगों ने कहा कि असली मेजरमेंट कराइए कि रोड का सेंटर क्या है, कोई इनका मेजरमेंट नहीं हुआ। आज GDA के अधिकारी मनमानी तौर पर केवल अपनी ज़बरदस्ती करके रोड को तोड़वा रहे हैं, सबके मकान को ढहवा रहे हैं और मुआवजा के लिए कह रहे हैं कि बाद में मिलिएगा। आज तोड़ के चले जाएंगे, जिस आदमी का मकान टूट जा रहा है, जिसका मकान गिर जा रहा है, वो मुआवजा के लिए इनके बाबुओं का और इनके यहाँ जाके दरबार करेगा, इनको कमीशन देगा, तब ये लोग मुआवजा पास करेंगे। ये कहानी है इन लोग। यस, बगैर मुआवजा दिए कोई मकान टूटना नहीं चाहिए अगर वो नक्शे में पास है तो, चाहे वो जब का नक्शा पास हो। इनकी योजना जो भी हो वो जितना ले रहे हैं उतने का कंप्लीट मुआवजा दें। बगैर मुआवजा दिए हम लोग नक्शा तोड़ने नहीं देंगे, हम लोग सड़क पर सो जाएंगे, अपनी जान दे देंगे, चढ़ा करके हम लोग को मार डालेंगे। अजीत सिंह मेरा नाम है, ये तो चरगावा है, हम लोग सुरन पर हैं।